रणनीति क्या रखी जाए, अभी भी सेम ट्रेजेक्टरी मेंटेन करें या फिर हो गया निफ्टी की गिरावट, अब यहां से पुल बैक ही रहेगा? सुमित भाई देखिए, मैंने मेंशन किया था कि 18,300 का लेवल अगर बीच होगा तो उम्मीद करिए कि निफ्टी अपने 20-day मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, जो कि 17,925 की रेंज में है। मेरे ख्याल से 18,050 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट दिया, वहां पर बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ड्राइवर कौन था। जब निफ्टी पुल बैक दिया तो एक्चुअली ड्राइवर बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी की वजह से हमें पुल बैक देखने को मिला। तो जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी में नहीं है, स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी में है। मेरा समझना है कि अभी भी निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए, जब तक 18,400 के ऊपर निफ्टी ना निकले आपको खरीदारी निफ्टी में नहीं करनी है। 18,400 के ऊपर आप बिल्कुल खरीदारी करिए, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 350 से 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ कहां पर है तो वो बैंक निफ्टी में, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जब तक 3900 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी लॉन्ग पोजिशन में बने रहिए, यहां पर स्ट्रेंथ है। और एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। मेरा तो समझना है जो 41,000 के मैंने टारगेट दिए हैं वो अब बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, तो अभी भी खरीदारी करिए। अभी भी देखिए, देर नहीं हुई, ब्रेकआउट तो एक्चुअली आज आया है, तो आज के ब्रेकआउट के बाद आप खरीदारी करिए। 39,400 का स्टॉप लॉस रखिए और 41,000 के टारगेट सेट करिए, तो आपको जो फोकस है वो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पे रखना है। तो निफ्टी की बजाय निफ्टी बैंक पर फोकस, पुराना टारगेट मानस का वो अभी भी रीइटरेट कर रहे हैं, 41,000 के टारगेट्स, 39,000 का स्टॉप लॉस, ये उन्होंने पहले भी बोला हुआ है और अभी भी उसी के साथ ही बने हुए हैं। हाँ, निफ्टी में 18,400 अगर टूटता है तो बढ़िया तेजी आएगी, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और उस तेजी के साथ ही आप बने रहिएगा। मानस, इंडिविजुअल कॉल्स, बैंक तो होगा एक ना एक? बिल्कुल बैंक होगा, देखिए बहुत सारे बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आप कोटक बैंक देख लीजिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स, आईसीआईसी बैंक में भी स्ट्रेंथ दिखती है। तो बैंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने चूज किया है वो आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक चूज करने का रीजन ये है कि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक ने दिया हुआ है। 2 दिन में करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने 50-day मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। देखिए, स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 200 रुपए है। अगर 200 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो आपको बहुत सारा बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी है। 189 का आरबीएल बैंक में स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 210 के टारगेट आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक है, देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है, वहां पर भी बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और मेरे ख्याल से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 1% से ऊपर था। तो जो मेरा पसंद है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। ब्रेकआउट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने ऑलरेडी दिया हुआ है 1450 के ऊपर, हाई टॉप शायर बॉटम्स का ट्रेंड है और अब शायद जो उसके आगे का रेजिस्टेंस 1530 का है वो भी ब्रीच होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करिए, 1575 आपके टारगेट रहेंगे और 1449 ये आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। तो दो नाम और दोनों ही बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस से, पहला नाम है आरबीएल बैंक जिसमें आप तेजी खेल सकते हैं और दूसरा नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ 3.5% की तेजी और जो तेजी एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर देखी उसी तरह की तेजी रेप्लिकेट होती हुई दिखाई पड़ी पूरे ही एनबीएफसी स्पेस में और आरबीएल बैंक भी 4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा मानस, सूची अभी आपने कुछ तो बोली दी जिसमें बैंक्स में तेजी है, तो शुरुआत में कोटक महिंद्रा बैंक से ही करूंगा। एक बढ़िया वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ खरीदारी, नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ, कहां तक ये तेजी लीड होते हुए दिखाई पड़ रही है आपको? और दूसरा आपका एसबीआई, कल भी बात हुई थी आपने 505 के ऊपर तेजी की बात की थी, 525 का टारगेट दिया था, मेंटेन करें उसी को ही? बिल्कुल, देखिए परसों भी कोटक बैंक के बारे में बात हुई, तभी मैंने एक बुलिश व्यू कोटक बैंक पे दिया था। कल एक कंसोलिडेशन का दिन था लेकिन आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है और उस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 2070 था, कोटक बैंक ने वो ब्रीच कर दिया है और अब आपको शायद 2320 से लेकर 2350 तक के स्तर में देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल ट्रेड लीजिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2075 का स्टॉप लॉस रखिए और 2320 के टारगेट सेट करिए कोटक बैंक में। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2320 ये टारगेट रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर, रिकॉर्ड स्तरों पर अगर ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, एसबीआई दूसरा सवाल था मानस, कल 505 की बात थी तब 525 के टारगेट आपने दिए थे, आज 502 तो 503 के आसपास बंद हुआ, अभी भी लॉन्ग साइड पे रहे इसमें? बिल्कुल लॉन्ग साइड पे रहिए और अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो भी आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस वही रहेंगे जो कल मैंने मेंशन किए थे, 484 के स्टॉप लॉस रखिए
और टारगेट भी वही रहेंगे 530 से लेकर 535, यही टारगेट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बना के चलने हैं। अच्छा माना सर, पीएसयू बैंकिंग में अच्छी बाइंग थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आए, आईडीबीआई के नंबर आए और उसके बाद एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। आप बीओबी का चार्ट देखिए, वहां पर खरीदारी थी, पीएनबी का चार्ट देखिए, वहां खरीदारी थी। तो अगर पीएसयू बैंकिंग बास्केट से कोई नाम उठाना हो तो क्या कोई एक दो नाम बता सकते हैं एसबीआई के अलावा? देखिए एसबीआई में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, लेकिन जो अब आपको जो फ्रेश स्ट्रेंथ दिख रही है वो दूसरे पीएसयू बैंकिंग में दिख रही है, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कल भी मैंने रिकमेंड किया था कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और अभी मेरा समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कम से कम 110 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करिए। 90 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पीएनबी नहीं, मैं प्रेफर करूंगा कैनरा बैंक को। देखिए कैनरा बैंक में दो दिन से रैली देख रहे हैं हम, और 200 वीक का मूविंग एवरेज कैनरा बैंक ने ब्रेक कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको रैली देखने को मिलेगी। 220 के टारगेट सेट करें, 189 ये आपके स्टॉप लॉस कैनरा बैंक पे रहेंगे। 220 का टारगेट और 189-190 के आसपास के टारगेट्स के स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके केनरा बैंक में लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। मानस, दो तीन बड़े सारे सवाल आते हैं। पहला कि जो एशियन पेंट की आज की गिरावट है इसमें, एचयूएल की कल की गिरावट थी उसमें, और टीसीएस की हाल की गिरावट थी इसमें, क्या इन तीनों शेयरों में मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन ली जा सकती है? एक, और अगर ली जा सकती है तो क्या स्टॉप लॉस को मान के यहाँ पर लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए तीनों स्टॉक की बात करिए तो एचयूएल में मैं अभी थोड़ा रुकूंगा क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास आ गया है, 2800 रुपए लॉन्ग टर्म चार्ट से बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, तो अगर आपको निवेश करना है तो आपको एशियन पेंट्स में ही निवेश करना है। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, इस गिरावट पे को खरीदारी के मौके की तरह देखिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि वापस 3400 तक के स्तर आपको एशियन पेंट्स में बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। ओके, तो एशियन पेंट्स 2800 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करें और 3400 के लेवल्स जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी आज नंबर्स के बाद तेज बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, आज थोड़ा प्रेशर जो था वो हैवी वेट रिलायंस की तरफ से भी आ रहा था अर्निंग से ठीक पहले। कल नंबर्स भी आने वाले और नंबर्स पे अनुमान भी है कि बेटर साइड पे नंबर आएंगे, स्पेशली क्रूड की कीमतों में जैसे तेजी आई है, शायद पेटकेम कारोबार जो है वहां से एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़े। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या स्टॉप लॉस रखें? देखिए काफी समय से मैं रिलायंस में 2950 की बात कर रहा हूँ और मेरा टारगेट अभी भी वही है, तो जो करेक्शन देखने को मिला है वो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिवर्सल के साइन तो कहीं पर भी वीकली और मंथली चार्ट पे मेरे को नहीं दिखते, शॉर्ट टर्म चार्ट पे जरूर करेक्शन के साइन दिखते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2580 के आसपास स्टॉक आए, लेकिन वो तो बहुत ही बढ़िया स्तर होगा जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। 2500 रुपए एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, तो गिरावट 2580 के आसपास खरीदारी की है, 2500 का स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशनल टारगेट वही रहेंगे 2950 के। 2950 मानस ने 2100 रुपए पे पहली बार इसका जिक्र शायद किया था और तब से वो उसी टारगेट के साथ इंटैक्ट है, और 2580 उनके लिए रीसेंट लेवल होगा, अगर वहां आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर भी है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, इसके कल नंबर्स भी आने वाले हैं। अच्छा, दो तीन आंकड़े और जिसपे काफी चर्चा होते हुए दिखाई पड़ी है, उसमें एक IRCTC, ऑब्वियसली बात है आज थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ दो दिन की हाई इंटेंसिटी की बिकवाली के साथ, तो क्या ये लेवल ठीक दिख रहा है, यहाँ पर इसमें जाया जा सकता है या अभी वेट करना चाहिए? और दूसरा टाटा मोटर्स, क्या यहां पर भी सिचुएशन बनती है, क्या कुछ अभी एंटर करना चाहिए, वेट करें? देखिए जहां पर पिक्चर क्लियर नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स पे आपको पैटर्न्स क्लियर नहीं है, स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे तो बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। और IRCTC के पैटर्न्स टेक्निकल पे भी वैसे ही है और एक्चुअली स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि आप अवॉइड करिए, अभी कोई जरूरत नहीं है खरीदने की एग्रेसिव होके। बेटर आइडिया है कि थोड़ा सेटल होने दीजिए, कंसोलिडेशन होने दीजिए, और उसके बाद जब रैली स्टार्ट हो तब आप IRCTC में पार्टिसिपेट करें। टाटा मोटर्स पे खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है, मेरा समझना है कि अब यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा जिसमें 550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 484 टाटा मोटर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, तो 484 ये टाटा मोटर के लिए एक स्टॉप लॉस बनेगा, 508 के लेवल पे इसने आज क्लोजिंग दी है। तेजी की साइड अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग साइड में जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट साइड पे या फिर अवॉइड करिए अपनी सिचुएशन को IRCTC के अंदर जाने के लिए। अच्छा, आज IT स्पेस में एक मेजर बीटिंग थी, TCS तो प्रेशर में था ही, साथ साथ बाकी जो रीसेंट परफॉर्मर थे वो भी कुछ हद तक टूटते हुए दिखाई पड़े। कोई लॉन्ग साइड पे दिख रहा है या कोई नई शॉर्ट कहीं खुल रही है?
देखिए दो स्टॉक मेरी नजर में है और दोनों स्टॉक के मीडियम टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। पहला तो टेक महिंद्रा पे ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां जिसने आउट परफॉर्म किया है पिछले अगर एक से दो हफ्ते की बात करें, स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, पुल बैक लोअर लेवल पे देखने को मिला आज, 1475 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1650 के टारगेट के लिए। और दूसरा एम्फेसिस का स्टॉक है जहां पर मेरा समझना है कि 3250 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, मीडियम टर्म चार्ट पे यहां पर भी ब्रेकआउट है, तो 3250 के स्टॉप लॉस से एम्फेसिस में खरीदारी करिए 3700 के टारगेट के लिए। ओके तो एम्फेसिस ये एक नाम है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, मानस का मानना है कि यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो नाम है वो है टेक महिंद्रा, पहले भी इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में मानस ने टेक महिंद्रा का जिक्र किया था और उसके बाद बढ़िया तेजी देखने को मिली और मानस को लगता है कि ये अभी भी जारी रहते हुए दिखाई पड़ेगी। आज का फॉल ठीक है लेकिन वापस में तेजी आते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा आगे भी हम मानस से बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले यतिन से चर्चा कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, किस तरह की तेजी या मंदी की बातचीत हो रही है।